हाउ आर यू, होपफुली यू आर फाइन। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के थ्रू आपको सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बताएंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसा कि आपने देखा होगा कि एक रेजिस्टेंस आर वन का सेकेंड एंड दूसरे रेजिस्टेंस के आर टू के फर्स्ट एंड से कनेक्टेड रहता है। इसी तरीके से आर टू का जो सेकेंड एंड है वो आर थ्री के फर्स्ट एंड से कनेक्टेड रहता है, और ये तीनों रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहते हैं बैटरी के साथ। यहां पर बैटरी का जो पोटेंशियल होगा वो बी है। वोल्टेज जो ड्रॉप होंगे यहां इसके अक्रॉस द आर वन वी वन, यहां पर वी टू, और यहां पर जो होंगे वो वी थ्री होगा। करंट जो वी टू से फ्लो होगा उसकी वैल्यू आई होगी, और यही वैल्यू आई यहां पर होगी, यही वैल्यू आई यहां होगी, इसी तरीके से यहां होगी। जैसे कि आप जानते हैं सीरीज में करंट की वैल्यू ड्रॉप नहीं होती है, करंट कंटिन्यूअसली फ्लो होता है। जैसे कि हम जानते हैं वी जो पोटेंशियल है, बैटरी का पोटेंशियल है, उसकी वैल्यू यानी उसकी जो वैल्यू है वो ड्रॉप हो जाती है वी वन वी टू वी थ्री की फॉर्म में, वी वन वी टू और वी थ्री की फॉर्म में। ओके, तो ये वी वन की जो वैल्यू है वो वी इक्वल है आई आर वन। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जैसे कि आपने देखा होगा वी इक्वल आई आर होता है, तो यहां से हमने आई की वी टू की वैल्यू आई आर टू आई आर थ्री। ओके गाइस, यहां पर एक चीज आपको इंटरेस्टिंग चीज बताने की जरूरत है, इनका जो आर वन आर टू आर थ्री का लेट हमने किया कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर है, इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर है। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ जो करंट आई है आई इक्वल वी इक्वल आई आर गाइस। ओके, आई आर आई यहां से हम कॉमन लेंगे, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री यहां पर इस तरीके से होगा। आई की से वैल्यू कट करेंगे तो फाइनली हमारा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री निकल जाएगा। इससे हमें पता चल रहा है कि अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, वो फाइनली ज्यादा आएगा यानी एडेड होगा। ओके गाइस,